हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, सामने अपने खड़ी है हीरो की ग्लैमर। आप जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे, ऑल न्यू ग्लैमर BS6 की फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 इंजन के साथ कंपनी ने दोबारा से पुराने मॉडल को लॉन्च कर दिया है। अब भाई, कहने के लिए ये पुराने मॉडल की गाड़ी है, लेकिन इंजन जो इसका है वो आपको BS6 फेज 2 का मिलता है। तो भाई, क्या क्या अपडेट है इस गाड़ी में, कौन कौन से फीचर्स कंपनी ने एड ऑन किया है, क्या क्या पहले वाला है, दोबारा से लॉन्च किया है, तो क्या कुछ अपडेट किया है इस गाड़ी में, सभी कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिना लेट किए हुए, भाई साहब, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको हमेशा प्रतिदिन गाड़ी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते रहती है। बात करते हैं सबसे पहले फ्रंट साइड में। तो आप यहाँ पे देखोगे, इसका जो वाइजर सेक्शन है ये आपको बिल्कुल फिट एंड फिनिश ओल्ड वाले मॉडल के जैसा है। यहाँ पे आपको ग्राफिक्स मिलता है जो कि कुछ इस टाइप से है। टर्न इंडिकेटर की बात कर ले तो ये आपको बल्ब में इसका टर्न इंडिकेटर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हेडलाइट की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे, ये आपको हेलोजन में रिफ्लेक्टर बेस्ड, आपको हेलोजन का हेडलाइट देखने को मिलता है जो कि रिफ्लेक्टर बेस्ड रहता है। बात करते हैं यहाँ पे इसके फ्रंट की सस्पेंशन की, तो आप यहाँ पे देखोगे टेलीस्कोपिक टाइप का फ्रंट का आपको यहाँ पे सस्पेंशन देखने को मिलेगा। दोनों ही साइड आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। वहीं पे फ्रंट टायर की जो साइज है 80/100 सेक्शन के 18 इंच का आपको फ्रंट के टायर साइज देखने को मिलेंगे। 240 mm का आपको यहाँ पे इसका ब्रेक डायमीटर भी देखने को मिलता है। बात करते हैं डिस्क ब्रेक में, तो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक में भी अवेलेबल है, लेकिन फिलहाल जो हमारे सामने मॉडल ये गाड़ी है ये आपको ड्रम ब्रेक में देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ भाई यहाँ पे देखो फ्यूल टैंक में क्या अपडेट कंपनी ने किया है ना, ग्लैमर का लोगो जो कि काफी बड़ा बड़ा आपको यहाँ पे क्रोम के 3D में आपको ग्लैमर का लोगो मिलता है। और इसके साथ साथ होता क्या था कि पहले का जो ग्लैमर था ना, उसमें होता क्या था कि पेट्रोल के साथ पानी में बरसात के समय में अगर आप गाड़ी को ऐसे लगा देते थे तो पानी पड़ के पेट्रोल में पानी चला जाता था। तो कंपनी ने अब अपडेट करके आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो होल देख रहे हो ना, यहाँ पे आपका जो भी पानी यहाँ पे रुका हुआ रहेगा वो चीज इसके थ्रू नीचे गिर जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब आपका जो गाड़ी है वो पेट्रोल में पानी के साथ मिक्स नहीं होगा। तो ये चीज कंपनी ने अपडेट किया है। क्रोम के ट्रीटमेंट में 12 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे इंजन सेक्शन की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको 124.7 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर आपको 10.7 PS की मैक्सिमम पावर देती है 7500 RPM पे। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 10.6 Nm की मैक्सिमम टॉर्क देती है, जो कि है आपको 6000 RPM पे। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो चीज आप देखोगे ना, प्रोग्राम्ड FI का बैजिंग मिलता है, ग्राफिक्स आपको कुछ इस टाइप से मिलते हैं, हीरो का ब्रांडिंग मिलता है, I3S का लोगो मिलता है बैटरी पैनल के पास। और भाई, एक और अपडेट कंपनी ने किया है, यहाँ पे क्रोम का ट्रीटमेंट दे दिया है। ये चीज पहली की गाड़ियों में नहीं आता था, जबकि हाँ, एक और दिक्कत है ना कि भाई इसका जो टेल लैम्प है ना, ये ग्लैमर का टेल लैम्प वो अक्सर खराब हो जाता था। आप यहाँ पे देखते थे ये जो चीज है ना, ये अक्सर भाई साहब खराब हो जाता था। तो अब इसका चेकआउट करना पड़ेगा कि क्या ये खराब होगा कि नहीं। तो भाई, ये तो अभी पता नहीं चलेगा, 1-2 महीने के बाद पता चलेगा, क्योंकि ये गाड़ी अभी फिलहाल में ही लॉन्च हुई है। तो जब से कोई भी बंदा 1-2 महीने गाड़ी को नहीं चलाएगा तो नहीं अभी बता सकता है, लेकिन फिर भी बिल्ड क्वालिटी देखने से तो पता चलता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे सिर्फ एक ही कनेक्शन है ना। बात करते हैं यहाँ पे पीछे में, तो आप ये देखोगे, ये कंपनी ने दोबारा से आपको 8th shift में यहाँ पे इसका टेल लाइट दिया है। पहले वाला आपको यहाँ पे इसका LED टेल लाइट नहीं मिलता था। टर्न इंडिकेटर की बात करें तो ये आपको नॉन फ्लेक्सिबल में बल्ब का आपको यहाँ पे देख सकते हो टर्न इंडिकेटर भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ रिफ्लेक्टर यहाँ पे मिलेगा। और भाई, ये जो गाड़ी है ना, 8 तारीख को 8वां महीना यानी 8 अगस्त 2023 को ये गाड़ी कंपनी में मैन्युफैक्चर हुई है। तो 2023 की सबसे ज्यादा लेटेस्ट गाड़ी आपको यही देखने को मिलती है। पीछे की टायर सेक्शन की बात कर ले तो आप यहाँ पे देखोगे कंपनी MRF का टायर यूज करती है। इसके साथ साथ आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ इसकी प्रोफाइल ना, तो 100/80 सेक्शन के 18 इंच के आपको यहाँ पे इसके प्रोफाइल भी देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे देखोगे 130 mm का आपको यहाँ पे इसका ब्रेक डायमीटर भी मिलता है। रियर की सस्पेंशन के बारे में बात करें तो 5-step एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के रियर के सस्पेंशन मिलते हैं। एग्जॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे एग्जॉस्ट कुछ इस टाइप से सिंगल में आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट मिलते हैं। क्रोम का आपको यहाँ पे प्लेट मिलता है। फुटपैक्स की बात करें तो ये देखो कुछ इस टाइप के आपको फुटपैक्स मिलते हैं। और सबसे बड़ी चीज इस गाड़ी में क्या है ना कि भाई 125cc में कंपनी है ना, थोड़ा सा क्रॉस कटिंग करने के लिए यहाँ पे किक को हटा देती है, लेकिन ये गाड़ी में किक को नहीं हटाया, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। आपको यहाँ पे स्पार्क प्लग मिलता है। इंजन का पहले का इंजन क्या होता था कि ये जो है ना, ये उठा हुआ मिलता था, लेकिन पहले जो था वो लेटा हुआ इंजन इस टाइप से मिलता था, इंजन का जो हेड है। तो ये भी चीज चेंजेस हुआ है।
आप यहाँ पे देख सकते हो, इंजन ऑयल आप यहाँ से डाल सकते हो, हीरो का बैजिंग देखने को मिलता है, क्लच वायर आपको यहाँ पे मिलेगा, कैटलिटिक कन्वर्टर, आप V6 का गाड़ी है भाई तो कैटलिटिक कन्वर्टर तो मिलेगा, तो ये हो गया कैटलिटिक कन्वर्टर। यहाँ पे देखोगे तो प्रोग्राम डेफाई मिलता है, बाकी मडगार्ड आप देख रहे होगे, फ्रंट का मडगार्ड कुछ इस टाइप से है, जो कि आपको कैसा लगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंगल सीट में मिलता है, कहीं भी स्प्लिट सीट नहीं मिलता है। सीट कवर के नीचे ये जो चीज़ है ना भाई, ये जो चीज़ ये एकदम पहले वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम फील देती है, और वही ओल्ड वाला ग्लैमर जो कि काफ़ी लोग लेकर चलते हैं जिन्हें महसूस होता है कि हाँ भाई मैं नया गाड़ी लेकर चल रहा हूँ, तो यही चीज़ आ गया। पहले का जो ग्लैमर था वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, पर्सनली अगर मेरे को भी बोलो तो अच्छा नहीं लग रहा था। फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मैंने बता दिया आपको। बात करते हैं यहाँ पे हैंडल बार की, तो यहाँ पे जो नॉर्मली होता है पास लाइट, हाई बीम लो बीम, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, हॉर्न भी आपको काफी लाइट में है। यहाँ पे आपको i3s मिलता है, जिसका क्या फंक्शन है वो मैं अभी आगे बताऊंगा। सेल्फ का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। इसके साथ साथ भाई पहले आपको यहाँ पे USB चार्जिंग नहीं मिलता था, लेकिन अब ये गाड़ी में आपको USB चार्जिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ मीटर कंसोल पहले डिजिटल नहीं मिलता था, लेकिन अब ये गाड़ी में आपको डिजिटल मीटर कंसोल भी देखने को मिलता है। जैसा कि आप यहाँ देखोगे, ये देख रहे हो ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, आपको सभी कुछ डिजिटल मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे देखोगे तो रियल टाइम माइलेज मिलता है, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ, इंजन मालवेयर फंक्शन, न्यूट्रल, फ्यूल का ऑप्शन, यहाँ पे मोड मिलता है, मोड से आप ट्रिप ए, ट्रिप बी और यहाँ पे ऑडोमीटर का चेक कर सकते हो। की बात करें तो की तो आपको नॉर्मल वही मिलता है जो कि 125cc की हर गाड़ियों में आपको की देखने को मिलता है। और वही बात करते हैं कि इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस क्या पड़ेगी हमारे यहाँ झारखंड में। तो भाई साहब इस गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस हमारे यहाँ झारखंड में है ना, ये आपको 99,000 के आसपास पड़ेगी, 98,000 to 99,000 के आसपास पड़ेगी ड्रम ब्रेक की। लेकिन वहीं अगर आप डिस्क ब्रेक में खरीदते हो इस गाड़ी को, तो डिस्क ब्रेक में 1,01,000 के आसपास पड़ेगी। और दोस्तों ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ आनंद ऑटो बाइक्स, आनंद ऑटो बाइक्स डाल्टनगंज का ये शोरूम है हीरो का, जहाँ पे आपको हीरो की बहुत सारी गाड़ियां मिल जाएगी। नीचे में सर्विसिंग सेंटर मिलेगा कुछ, ये लोकेशन है रांची रोड में, ठाकुरबाड़ी मंदिर के जस्ट अपोजिट है। तो आप अगर झारखंड डाल्टनगंज पलामू से ये वीडियो देख रहे हैं, तो आनंद ऑटो बाइक्स में ये गाड़ी अवेलेबल हो गई है, आप आकर यहाँ पे परचेज कर सकते हो।